साझेदारी। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे साझेदारी के लाभ या महत्व। साझेदारी का मीनिंग हमने क्या जाना था कि या तो कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के बिजनेस में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, या फिर इस अदर पर्सन को अपने बिजनेस में क्या कर ले, शामिल कर ले, और दोनों क्या हो जाए, साझेदार। और साझेदार होने के बाद जो भी काम बिजनेस में होगा उसमें बराबर के हिस्सेदार बन जाए। जैसे अगर बिजनेस में कोई भी काम वो करेंगे, कोई भी कार्य वो करेंगे, तो दोनों इक्वली उसमें क्या होंगे, हिस्सेदार। फिर अगर बिजनेस में किसी प्रकार का प्रॉफिट या लाभ हुआ उसमें भी दोनों का हिस्सा, और किसी प्रकार का लॉस मतलब किसी प्रकार की हानि हुई है तो भी दोनों का उसमें हिस्सा होगा। तो ये क्या हो गई, साझेदारी, हिस्सेदारी या फिर पार्टनरशिप। तो अब अपन पढ़ेंगे कि किसी के बिजनेस में काम करने से कितना ज्यादा फायदा होता है, या अपने बिजनेस में किसी सेकंड पर्सन को शामिल करने से क्या फायदा होता है। तो कुछ पॉइंट से हम इसके महत्व को या इसके लाभ को जानेंगे। तो फर्स्ट इसमें दिया है पर्याप्त पूंजी, मतलब कि काम करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर पैसा मिल जाता है। जोखिम का बंटवारा, जो नुकसान होता है वो बढ़ जाता है, हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। गोपनीयता, हमारे बीच बातों को गुप्त रखा जा सकता है। कार्य का विभाजन, जो भी काम होता है हमारे ऊपर उसका भार नहीं होता क्योंकि काम सबके बीच बढ़ जाता है। और कम आयकर, जो टैक्स होता है वह भी हमको अकेले को वहन नहीं करना होता है, उसका विभाजन भी हो जाता है। तो ये इसकी मेरिट्स मतलब इसके लाभ और इसके महत्व हो गए। आइए इनकी डिटेल से और भी इसके मीनिंग को और भी अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, पर्याप्त पूंजी। देखो, बिजनेस करने के लिए बड़े पैमाने पर हमें पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर एक पर्सन सेल्फ का कोई बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है, तो या तो फिर वो क्या करेगा, लोन लेगा, और लोन लेगा तो कहीं ना कहीं उसे एक तरीके से तो उसके बिजनेस को ऑपरेट करने का भार है, उसमें खर्चे का भार है, दूसरी ओर से जो लोन लिया है उसको भी उसके ऊपर भार है पे करने का, ठीक है। तो दो दो जिम्मेदारियां उसके ऊपर हो जाती है। तो अगर हम पार्टनरशिप में अगर ये काम करें तो कहीं ना कहीं हमें लोन लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, अपना अपना पैसा लगाते हैं, है ना। तो एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और इस कारण फर्म के पास क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो जाती है। जैसे यहां पर ये एक सिंगल पर्सन है, ये किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है और इसके पास कितने हैं, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए से बिजनेस ऑपरेट हुआ क्या, अगर इसको बड़े पैमाने पर बिजनेस में कोई काम करना होगा तो या तो फिर वो अदर पर्सन से लोन लेगा या फिर बैंक से लेगा। तो दो दो उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, लोन को भी तो चुकाना और बिजनेस को भी ऑपरेट करना है। वहीं अगर साझेदारी में रहकर कोई बिजनेस किया जाएगा, ठीक है, तो ये पर्सन 10,000 रुपए है, अभी अपने साथ किसी दूसरे पर्सन को इसने क्या किया, शामिल कर लिया, ठीक है। तो 10,000 रुपए ये लेकर आएगा, जरूरी नहीं है एक व्यक्ति ही पार्टनरशिप में होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति भी पार्टनरशिप में होते हैं, ठीक है। दूसरा पर्सन इसने इन्वॉल्व किया, 10,000 ये लेके आया, तो 10,000 तो ये 10 10 मतलब कितने रुपए हो गए, 30,000 रुपए हो गए। अब 30,000 रुपए होने से कुछ नए आइडिया आए तो हमने कोई नए काम बिजनेस में करे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मीनिंग हुआ इसका कि साझेदारी का पहला फायदा ये है कि बड़े पैमाने पर हमारे पास पैसा एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और हमें लोन लेने की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड देखो इसमें, जोखिम का बंटवारा, मतलब जो नुकसान हुआ उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया सभी के बीच में। साझेदारी व्यवसाय में जोखिम का बंटवारा आपस में सभी साझेदारों के बीच कर दिया जाता है, किसी भी एक साझेदार पर हानि का भार नहीं आता है, ठीक है। अगर एकाकी व्यापार, सेल्फ का कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर उसमें 50,000 का कोई नुकसान हो गया तो वो सारा के सारा नुकसान उससे ही वहन करना पड़ रहा। और वहीं अगर पार्टनरशिप में 5 सदस्य मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो 10-10,000 पांचों में बढ़ जाएंगे। तो कितना आसान हुआ, एक पर्सन पे से 40,000 का बर्डन कम हो गया। तो ये बेनिफिट है पार्टनरशिप का, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखो, गोपनीयता। साझेदारी फर्म को अपने खाते प्रकाशित करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। साझेदारी फर्म में इस कारण क्या रहती है, गोपनीयता बनी रहती है। देखो फ्रेंड्स, जो रेपुटेड कंपनियां होती है वो क्या करती है, हर ईयर अपनी कंडीशन जो भी होती है फर्म की उसको क्या करती है, बताती है, प्रकाशित करती है, अपने आंकड़े बताती है कि हमने इस वर्ष इतना पैसा कमाया है। और उसको बताने का कारण क्या है, इन्वेस्टर बढ़ाने, मतलब वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक इन्वेस्टर हमारी
भी कंपनी में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर पार्टनरशिप चाहे तो वो ऐसा काम कर सकते हैं, अपने आंकड़े प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन रूल नहीं है कि वह अपनी स्थिति को क्या करे, प्रकाशित करे, ठीक है। तो इस कारण क्या है, उसमें गोपनीयता बनी रहती है। फोर्थ देखो, कार्य का विभाजन। जब वो क्या कर रहे हैं, कोई नुकसान हो रहा है तो आपस में बांट रहे हैं, कोई लाभ हो रहा है तो उसे आपस में बांट रहे हैं, तो काम जो है उसे भी तो आपस में बांटना होगा। हर एक बात की उसमें हिस्सेदारी होती है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के मध्य मतलब बीच में कार्य का क्या हो जाता है, विभाजन मतलब बंटवारा हो जाता है, जिस कारण प्रत्येक साझेदार की योग्यता का पूर्ण उपयोग होता है। साथ ही प्रत्येक साझेदार अपने कार्य में दक्ष हो जाता है। मतलब काम है, हर एक व्यक्ति में हर एक काम की एबिलिटी मतलब योग्यता होती है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में पूर्ण मतलब दक्ष होता है। तो साझेदारी में क्या हुआ कि जो पांच व्यक्ति थे उन सबके बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया, तो ऐसे हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करने में लगा है, और अपना अपना काम करने से उस काम में क्या हो गया, वो एक्सपर्ट हो गया, और कहीं ना कहीं उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिला कि हाँ मैं इस काम में परफेक्ट हूँ। फिर लास्ट है इसमें कम आयकर। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार पर पृथक-पृथक आयकर लगाया जाता है, इस कारण कम आयकर लगता है सभी साझेदारों पर। होता क्या है फ्रेंड्स, आयकर की सीमा क्या दे रखी, करमुक्त सीमा अभी 5 लाख रुपए दे रखी है। अगर एक पर्सन सेल्फ का बिजनेस कर रहा है, 5 लाख तक तो कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। अगर 5 लाख से अधिक वो कमाता है, ठीक है, जैसे 5,50,000 ही कमा रहा, तो 50,000 पर उसे टैक्स देना होगा। और अब देखो पार्टनरशिप में क्या हुआ, वो पांच व्यक्ति मिलकर अगर 25 लाख भी कमा रहे तो कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 5-5 लाख तो सबके टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो जहां तक एक सेल्फ का 5 लाख से अधिक नहीं हो जाता वहां तक टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पार्टनरशिप में किसना फायदा हुआ कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमने अगर 25 लाख रुपए भी कमाए हैं तो हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबके पास अलग अलग अमाउंट जाती है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने जाना कि पार्टनरशिप मतलब या तो फिर हम किसी के बिजनेस में शामिल हो जाए या फिर हमारे बिजनेस में किसी को शामिल कर लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है। हमें पैसा मिल जाता है, ठीक है, हमारे कार्य बढ़ जाते हैं, ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं होता, जो भी लाभ होता उसे हम बांट लेते, जो नुकसान होता हम बांट लेते, जो टैक्स होता है वो अलग अलग हमको डिपॉजिट करना होता है। तो ये इसकी क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में कुछ भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।